प्रधानमंत्री मोदी से बगावत करके लोकसभा के महाराष्ट्र के सांसद ने आज दे दिया है इस्तीफा। हम चाहेंगे कि ऐसी फोकनाड़ सरकार कभी दोबारा देश में न आए और राज्य में न आए, ये हमारी कोशिश रहेगी। सुना आपने, ये नाना पटोले उसी बीजेपी के सांसद हैं जिस बीजेपी की दिल्ली से लेकर मुंबई तक में सरकार है। लेकिन सरकार से नाराजगी ऐसी कि नाना पटोले ने संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। सरकार के कामकाज की जो स्थितियां थी उसके बारे में मैं बार बार प्रधानमंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री को इस विषय पर मैं अवगत कराता था, लेकिन सरकार इस पर ख्याल नहीं करती थी। एक दूसरी बात है कि जिस अपेक्षा से लोगों ने हम लोगों को चुन के भेजा था, जो आश्वासन हमने लोगों को दिया था, वो उसकी पूर्तता सरकार नहीं कर रही थी। महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में किसानों की आत्महत्या, 43% किसानों की आत्महत्या बढ़ी। मैं किसान हूं और मेरा किसान इस तरह से आत्महत्या करे और मैं कुर्सी में बैठने के लिए यहाँ पे नहीं आया, उनके लिए लड़ने के लिए आया था। नाना पटोले महाराष्ट्र के गोंदिया से जीते थे, प्रफुल्ल पटेल जैसे दिग्गज को हराया था। साल 2014 में नाना पटोले करीब 1.5 लाख वोट से जीते थे। 2009 में बतौर निर्दलीय दूसरे नंबर पर रहे थे। पटोले वही सांसद हैं जिन्होंने पिछले दिनों कहा था कि मोदी को सवाल पूछना पसंद नहीं है। किसान और ओबीसी जाति की समस्याओं को लेकर पटोले आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफा देकर सरकार के खिलाफ सड़क पर संघर्ष करने का फैसला ले लिया है। ये है ABP News, आपको रखे आगे।